पार्ट में हम सिर्फ स्ट्रेस की कटिंग की वीडियो डालेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो आएगी इसकी उसमें हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालेंगे। और आप देखते रहिएगा, इस नेक्स्ट पार्ट में मैं इस ड्रेस को पहनकर दिखाऊंगी कि कैसा लगता है, तो बने रहिएगा। ये ड्रेस बनी है मीशो की साड़ी से, मीशो पे अवेलेबल है ये साड़ी। आप चाहो तो ड्रेस बनाने के लिए लो या फिर साड़ी पहनने के लिए लो। सबसे पहले हम साड़ी को खोल लेंगे, इसके बाद आंचल और इसका ब्लाउज वाला पीस जो दिया हुआ है उसको कट करके अलग कर लेंगे। आंचल वाली साइड को कट करने के बाद हम मेजरमेंट टेप की मदद से 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर तक मेजर करके काट के अलग कर लेंगे दुपट्टे के लिए। इसके बाद ये जो साड़ी है, साड़ी की दोनों साइड्स बॉर्डर दिया हुआ है, उसी की एक साइड की बॉर्डर को काट कर अलग कर लेंगे। दुपट्टा और ये जो बॉर्डर मैंने कट करके अलग किया था वो है। इसके बाद ये है ब्लाउज का और ये आंचल का है और वो बॉर्डर रहा। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे, इसके लिए लाइनिंग के कपड़े में से जिसकी लंबाई होगी 4.5 इंच चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कट करेंगे। शोल्डर और आर्म होल सेम रखूंगी 6.5 इंच। अब चेस्ट साइज को 4 से डिवाइड करेंगे और 8 आया और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। वेस्ट सेम रहेगा, उसका भी वेस्ट साइज मेजर करके 4 से डिवाइड करके और 2 इंच एक्स्ट्रा। शोल्डर हाफ डाउन करूंगी, नेक 3 इंच, नेक विथ और लेंथ दोनों 3 इंच रखूंगी, ठीक है। पार्ट का ये लगभग बैक पार्ट से सेम ही रहेगा, बस इसकी नेक भी है एंड बैक पार्ट का तो राउंड था।
बचे हुए फैब्रिक से बैक पार्ट कट कर लेंगे और स्लिप्स कट करूँगी। बैक पार्ट कट करके अलग करने के बाद स्लिप्स की लंबाई, स्लिप्स काटने के लिए इसकी लंबाई बचती है 26 इंच, और मुझे फुल स्लिप्स चाहिए थी तो मैं सारा मेजर करके कट कर लूँगी।